सहारा इंडिया का मैनेजर गिरफ्तार, कंज्यूमर फोरम के आदेश की अवहेलना का आरोप, एक बड़ी लेटेस्ट न्यूज़। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्ट्री न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि सहारा इंडिया का मैनेजर गिरफ्तार, कंज्यूमर फोरम का आदेश और उसकी अवहेलना के आरोप में, ये 10 जनवरी 2020 की लेटेस्ट न्यूज़। चलिए दोस्तों, पूरी खबर क्या है पढ़ते हैं। पुलिस ने सहारा इंडिया के मैनेजर अजीज कादरी को गिरफ्तार कर लिया। उपभोक्ता अदालत ने 4 ग्राहकों के फिक्स्ड डिपॉजिट और रैंकिंग खातों में जमा 36,26,000 रुपये लौटाने के आदेश थे, परंतु सहारा ने आदेश का पालन नहीं किया। उपभोक्ता फोरम ने आदेश की अवहेलना के आरोप में सहारा इंडिया मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। सहारा इंडिया के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में कुल 180 से ज़्यादा मामले विचाराधीन हैं। एडवोकेट संगीता परसाई और प्रदीप गौतम ने बताया कि सहारा इंडिया द्वारा उपभोक्ता के रुपया नहीं लौटाने पर उपभोक्ता फोरम में 180 से अधिक मामले विचाराधीन हैं। अलग अलग दर्ज 4 प्रकरण में सुनवाई के बाद दिसंबर 2018 को फैसले में उपभोक्ता फोरम ने PADT कॉलोनी निवासी किराना व्यवसायी प्रकाश चौधरी के 6 लाख सहारा इंडिया के पूर्व एजेंट देवव्यास कॉलोनी निवासी विजय छिपानी के 6 लाख, चिंगीपुरा निवासी अंडा व्यवसायी शकील अहमद के 15 लाख तथा सेवानिवृत्ति रेल कर्मी चिंगीपुरा निवासी छज्जू खां के 6,26,000 रुपये भुगतान करना था। उपभोक्ता फोरम ने के आदेश का पालन नहीं किया, ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें अब ये पता चलता है कि इस वक्त उपभोक्ता फोरम अपने पूरे, जी हाँ दोस्तों, जोश पर है और इस वक्त निवेशकों के हित में फैसले जो दे रहे थे उनका पैसा ना देने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। आगे खबर है कि आदेश का पालन नहीं होने पर न्यायालय में आवेदन दिया, जिसका शाखा प्रबंधक अजीज कादरी निवासी हार्ट रोड ने 23 मई 2019 तक भुगतान का समझौता किया। रुपए अदा नहीं करने पर आवेदकों ने वसूली का आवेदन दिया। आवेदनों पर 23 दिसंबर 2019 को जारी वारंट पर पुलिस ने आरोपी शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार किया। सारा क्यू शॉप प्लान में 52,000 रुपये नहीं लौटाए। टीकमगढ़, सहारा इंडिया द्वारा सेवा में कमी पाए जाने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने बुधवार को आदेश जारी किया। वक्ता रमेश नायक ने बताया कि ढोंगा निवासी आलोक शर्मा ने सहारा इंडिया में 29 अगस्त 2012 को सहारा क्यू शॉप प्लान में 52,000 रुपये जमा किए थे, जो 6 वर्ष की अवधि पूरी होने पर नहीं मिले। फोरम अध्यक्ष श्रीराम दिनकर, सदस्य डॉक्टर हरिहर यादव और प्रीति परमार द्वारा सेवा में कमी का मामला मानकर सहारा इंडिया को 30 दिन के अंदर रुपया लौटाने का आदेश दिया। दोस्तों, ये बड़ी खबर आपको स्ट्री न्यूज़ चैनल से दी जा रही है और आपको हम आपकी जानकारी के लिए यहाँ बता दें कि अगर कंपनी के पैसे देने पर अम्बार्गो लगा होता तो उपभोक्ता फोरम का ये मैनेजर गिरफ्तार ना होता। इसने यहाँ पर ये नहीं कहा कि हमारी कंपनी पर एम्बार्गो लगाया, हम नहीं दे सकते। यहाँ पर सीधा सीधा उसने पैसे देने का आश्वासन दिया। इससे जाहिर होता है, साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर जो बड़ी धांधलेबाजी सहारा की जो इकाइयां हैं उनका पैसा देने में, जो इनकी ब्रांच हैं उनमें किस तरीके की धांधलेबाजी चल रही है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं और आपको सचेत करते हैं कि आप सहारा के जितने भी निवेशक हैं, पीड़ित निवेशक, अब उन्हें सेबी या सहारा सुब्रत राय पैसा देने वाला नहीं। केवल आपको उपभोक्ता फोरम में ही अपनी शरण लेनी पड़ेगी और वहीं पर आप अपनी पैसे लेने की लड़ाई को लड़ सकते हैं, जो आपके हित में बहुत जल्दी फैसला सुनाया जाता है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप इस बड़ी खबर को समझने की कोशिश करें कि इस वक्त सहारा सुब्रत राय पैसे देना नहीं चाहता और एम्बार्गो और न जाने कितने ऐसे ढोंग बैठकर यहाँ के ब्रांच के मैनेजर घड़ते रहते हैं। दोस्तों, ये बड़ी खबर आपको स्ट्री न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय।